हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज एक बार हारा है तो कल जीत भी जाएगा। और तेरा टैलेंट कोई और नहीं, तेरा पैशंस और तेरा रिजल्ट बताएगा। तो टेंशन मत लो, जब रिजल्ट आएगा हम आग लगा देंगे और इस बार हर सब्जेक्ट में 95 हम आपको दिला देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहना। आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 फिजिक्स का एक मैराथन क्लास होगा। इस क्लास में हम 12th फिजिक्स के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और देख लेना, इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, सर आप जो आपका सेकंड फिजिक्स है, जिसमें आपके जो आपके चैप्टर है किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, इन चैप्टर के क्वेश्चन को बताइए। तो आज हम 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए, वो भी आपके चैप्टर 9 से चैप्टर 11 तक, यानी कि चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, इन तीन चैप्टर के 20 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन 20 क्वेश्चन को पढ़ के जाना, बस इतना पढ़ के जाना, टेंशन फ्री हो जाना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है, आपको छोटे छोटे वीडियोस से कुछ नहीं होगा, अब आपको बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में काफी टाइम लगता है, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के क्वेश्चंस को। किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण। देखिए, ये वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। बहुत ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण की आपको परिभाषा लिखनी होती है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सबको बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल भी इजी हो सके, ठीक है। तो देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है, यहां पे इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। देखो, तीन लाइन में है, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। बस यही दो लाइन आपको याद रखनी है क्रांतिक कोण के लिए, ठीक है। चूंकि डेफिनेशनल जो परिभाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको जानना काफी ज्यादा जरूरी था, बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज हमारा आता है लेंस की क्षमता। देखिए, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दो दो नंबर वाले में। देखो, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब आप पी इक्वल टू 1/f लिखेंगे, लेकिन जो फोकस दूरी लेंगे वो हम मीटर में लेंगे। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, लेंस की क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखिए, हम फॉर्मूले की सहायता से, इस डेफिनेशन की सहायता से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। P इक्वल टू क्या बताया गया है, P इक्वल टू आपको बताया गया है कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P इक्वल टू 1/f होगा, ठीक है, लेकिन f जो होगा वो मीटर में होगा, किसमें, मीटर में। तो ये आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, ठीक है, P इक्वल टू 1/f। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको जैसे P नहीं निकालना है, मान लीजिए आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तब आप क्या करोगे, आपको P निकालना होगा तब। तो देखिए, इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, अगर F को आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो ऊपर आप लोग 100 कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 100/f होगा, अब ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट जो अक्सर आप लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फोकस दूरी मीटर में लेंगे तो P इक्वल टू 1/f होगा, अगर आप फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेंगे तो P इक्वल टू 100/f होगा, ठीक है,
समझ में आया। तो ये कहीं कहीं फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में निकालनी होती है, तो एफ आपको पी दिया रहता है, तो पी को यहां लाएंगे तो एफ सेंटीमीटर में निकालना होगा, तो 100 अपॉन पी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मात्रक जो होता है वो तो अभी हमने आपको बता दिया, ऊपर एक लाइन में डिस्क्राइब मैंने किया है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, किससे, डी, ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है, बस हो गया। तो ये आपका हो गया कि लेंस की क्षमता क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सके और एग्जाम में आप लोग जाए और छाप के आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों प्रतीकों का अर्थ बताइए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूं, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू, ठीक है, और अपान साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। इसको बिल्कुल से याद रखिएगा, अगर भूल गए तो समझ लीजिए आपके न्यूमेरिकल के नंबर कट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग कहेंगे एन क्या है, ये तो अपवर्तनांक है, ए क्या है, यहां पर ए क्या है और डेल एम क्या है। देखो ए जो आपका है ये होगा प्रिज्म कोण, क्या होता है ये, प्रिज्म कोण, ठीक है, ए आपका प्रिज्म कोण है, और डेल एम क्या है, ये अल्पतम विचलन कोण है, इसको भी लिखना पड़ेगा, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, ये आपका है। तो आपको फॉर्मूला पूछा गया था, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी बताने थे, तो आपको मतलब ए क्या है, डेल एम क्या है, ये आपको बताना था, तो मैंने इसको भी बता दिया। काफी ज्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्या होता है, मतलब लेंस की मैं बात कर रहा हूं, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखिए लेंस की बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इसी के अनुपात को ही हम आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट तो स्मॉल m से करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या कहा गया, ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो ऊपर लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और अपान में लिख देंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर इसको हम लोग वर्ड में लिखे तो m इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम i से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को o से डिनोट करते हैं। तो ये आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होगा, या अगर लेंस में बात की जाए तो एक और इसका फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू वी अपान यू, v अपान यू, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति अपान वस्तु की स्थिति। तो ये आपका फॉर्मूला भी होता है।
तो दोनों आप लिख सकते हैं या करके इसको लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिए ठीक है। एम इक्वल टू आई अपान ओ भी होता है, आई है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई ठीक है, और एम इक्वल टू वी अपान यू भी होता है इसी का फॉर्मूला। तो यही होता है लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम की दृष्टि से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया है और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि दो पतले लेंस जो है वो संयोजन में रखे हैं ठीक है, तो संयोजन में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी और उनकी क्षमता का आपको फॉर्मूला बताना है। तो मैंने एक छोटा सा हेडिंग डाला है ऊपर, देखिए क्या लिखा है मैंने कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी एवं क्षमता का फॉर्मूला। सबसे पहले हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो अगर दो लेंस संपर्क में रखे तो उनके फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा वन अपान एफ इक्वल टू, देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी वन अपान एफ वन प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी वन अपान एफ टू ठीक है। ये फॉर्मूला होगा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला ठीक है। अब क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा ये भी जान लीजिए, क्षमता का फॉर्मूला कैसे निकालोगे तो हमें पता है, यहां पे आप छोटा सा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, चूंकि P इक्वल टू होता है वन अपान एफ, क्या होता है वन अपान एफ, ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है ठीक है। तो वन अपान एफ के जगह पर P रख देंगे, P इक्वल टू, अब संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, तो वन अपान एफ वन के जगह पर पी वन लिख देंगे पहले लेंस की क्षमता, एफ टू के जगह पर पी टू लिख देंगे, यही होगी संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक। अब देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है और ऐसे कुछ पूछा जाता है कि दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे तो देखो पहले हम एक एक लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, फिर हमें फॉर्मूला पता ही है कि दो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, फिर दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी को एफ वन मान लेंगे, दूसरे की फोकस दूरी को एफ टू मान लेंगे। एफ वन हमारा 20 सेंटीमीटर, भाई दोनों का 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब पहले लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है ठीक है, पहले लेंस की क्षमता ठीक है, पहले लेंस की क्षमता तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होगा, P1 मानेंगे इसको क्योंकि पहले लेंस के लिए हम निकाल रहे हैं तो P1 मान लिया मैंने, तो P1 इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1 अपान F1 ठीक है, क्या होगा 1 अपान F1। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे जो आपका F है फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दिया गया है ठीक है, तो हम 1 अपान एफ वन का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर 100 अपान एफ वन, देखिए सही आप लोग सोच रहे हैं 100 अपान एफ वन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो 100 अपान एफ वन लिख देंगे ठीक है। इतना समझ में आया, तो यहां से पी वन हमारा आ जाएगा, पी वन इक्वल टू 100 अपान एफ वन की वैल्यू है क्योंकि सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 रहेगा, 20 है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 100 को 20 से कट करेंगे तो 5 ही आएगा ठीक है। तो हमारा P1 इक्वल टू आ गया 5 डायोप्टर या प्लस 5 डायोप्टर भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरे लेंस की क्षमता सेम इसी तरह निकलेगी, उसमें भी कुछ नहीं है, दूसरे लेंस की क्षमता ठीक है, दूसरे लेंस की क्षमता हमें निकालनी है तो सेम फॉर्मूला यहां पे भी होगा, यहां पे P2 होगा और P2 इक्वल टू होगा हमारा 100 अपान F2 यहां पे होगा ठीक है, F2 ये हो गया फॉर्मूला, मतलब उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है। तो P2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100, तो आपका 100 ही है, F2 की वैल्यू यहां पे भी 20 है तो P2 भी हमारा आएगा 5 डायोप्टर, P2 इक्वल टू आ गया प्लस 5 डायोप्टर, प्लस 5
डायोप्टर, ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें दोनों लेंस की क्षमता पता चल गई, तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, क्योंकि आपको संयुक्त लेंस की क्षमता ही निकालनी है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता, यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे, P1 प्लस P2। अब भैया दोनों को जोड़ेंगे, ये संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा, P1 की वैल्यू भी +5 है और P2 की वैल्यू भी +5 है, दोनों को जोड़ेंगे हम जब, तो हमारा आ जाएगा P इक्वल टू 10 डायोप्टर, कितना +10 डायोप्टर, और यही हमारा संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो एक मैंने बताने का आपको प्रयास किया, ताकि इसको आप जानेंगे तो आसानी रहेगी, आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो उत्तल लेंस की जो फोकस क्षमता है, उसको कैसे हम निकालेंगे अगर फोकस दूरी दी गई हो तब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग, वो है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आपको बताना है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ठीक है। लघु उत्तरीय में आपका क्वेश्चन ये आता, देखो क्या है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे आते हैं, जो मैंने इसमें नहीं लिया है, इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो मतलब थ्योरिटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली मैंने ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिए। देखिए प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, प्रिज्म से गुजरता है, तो बैंगनी तथा लाल रंग के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, और उससे सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो उस प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, यानी कि बैंगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण जो होगा, तथा मध्यवर्ती जो पीला रंग है, पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। यानी कि ऊपर हम लोग बैंगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे NV और लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे NR, और उसका अनुपात किससे करेंगे, उसका रेशियो होगा पीले रंग के पदार्थ के अपवर्तनांक से। इसको जो है प्रिज्म के पदार्थ वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, देखो इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा NV यानी कि बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक माइनस NR लाल रंग के पदार्थ प्रकाश का अपवर्तनांक, और अपान NY पीले रंग के पदार्थ के प्रकाश का अपवर्तनांक -1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका फॉर्मूला होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का, ओमेगा इक्वल टू आपका होगा NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा इसका, ठीक, समझ में आया। तो NV कोई पूछे क्या है, तो ये बैंगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक है, NR जो है ये लाल रंग का अपवर्तनांक है, NY जो है ये पीले रंग का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो वही ऊपर कहा गया था कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न जो कोणीय परिक्षेपण होगा और मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। तो ऊपर बैंगनी और लाल है, नीचे पीला रंग है, ठीक है, इसी के रेशियो को ही हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, इस प्रकार से आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं आप, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए, मतलब अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या है,
देखिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप हाई स्कूल से ही इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो आगे के डेरिवेशंस हैं उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन जो इसमें है, दो तीन डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहले इसको समझते हैं, विथ फिगर समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहां पे दो माध्यम है, एक ये आपका विरल माध्यम है, इसको नाम दे देंगे विरल माध्यम, मैंने ऑलरेडी कुछ चित्र बना रखा है, और ये फघन माध्यम है, ठीक है। तो क्या कहा गया, यहां से एक प्रकाश चली, देखिए ये प्रकाश है, ये यहां पर आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो किरण आ रही है, ठीक है, वो आपतित किरण होगी। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में, देखिए प्रकाश आया, प्रकाश किरण आई, ठीक है, और जब ये दूसरे माध्यम में, देखिए जब ये दूसरे माध्यम में जाने लगी तो थोड़ा सा अपनी दिशा से भटक गई, क्योंकि इसको ऐसे सीधा आना चाहिए था, देखिए यहां पर, ठीक, देखिए ध्यान से समझिए इस चित्र को। ये प्रकाश आई और जब इस सघन विरल माध्यम में थी, जब ये सघन माध्यम में, थोड़ा सा अपनी दिशा से बदल गई, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। देखो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण है, जब ये आई तो जब ये सघन माध्यम में जाने लगी तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल गई, इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात ये किरण आई है, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, ठीक है, कौन है अपवर्तित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, और इस पर एक अभिलंब हम खींच देंगे। देखो ये यहां से आई, यहां पे गई, इस पर एक सीधा सीधा अभिलंब हम खींच देंगे, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये दोनों को पृथक करता है। देखो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पृथककारी तल, पृथककारी तल इसको बोलेंगे, ठीक है, जो दोनों को पृथक करता है। तो समझ में आया, आपतित किरण जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश की, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यह आपका अभिलंब होगा, जो मैंने डॉट डॉट से किया है, इसका नाम दे देंगे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग नाम देंगे आई, और देखिए यहां पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग नाम दे देंगे आर, ठीक है। अब आई क्या है, ये आपतन कोण है, और आर क्या है, ये अपवर्तन कोण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से क्लेरिफाई करते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए प्रकाश आया एक पारदर्शी माध्यम से, ये विरल माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए दूसरे में जब इसने प्रवेश किया तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। देखो इसको सीधे जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा इधर चली जाई, ठीक है, तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल गई, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो एक जगह से आकर वो जब दूसरी जगह पे जाएगी तो थोड़ा सा अपनी दिशा और उससे भटक जाएगी, ठीक है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अब यहां पे जो आपतित किरण, अब इसके नियम अगर आपको लिखने हो तो कैसे लिखोगे, देखो आप लिखेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण आई यहां पे, अभिलंब भी यहां पे है, अपवर्तित किरण भी यहां से गई, तो तीनों एक ही तल में है ना, तो आप लिख सकते हैं पहला नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या का मतलब साइन, ठीक है, तो साइन आई जो होगा वो अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है, मतलब जो आपतन कोण की ज्या आई है और अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर है, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है, यही दोनों इसके नियम भी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग नियम भी लिखेंगे, कुछ है नहीं नियम में,
उसको भी यहां पे लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण आई उसको आपतित किरण, जो अपवर्तित हुई उसको अपवर्तित किरण, ठीक है। और इस पर एक हमने अभिलंब खींच दिया, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल बना उसको आपतन कोण कहेंगे, और जो आपका अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना उसको, जो कोण बना उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए पहला नियम अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है। सबसे पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण जो आई, अपवर्तित किरण जो गई और अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, पृथककारी तल में। तो ये पहला नियम है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। दूसरा नियम समझिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके कहने का मतलब है कि जो एंगल दोनों बना था ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, इनकी जो ज्या है देखो साइन आई, ठीक है, और अपान साइन आर, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा एक नियतांक के, ठीक है, कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं नियतांक, ठीक। यही हमारा दूसरा नियम है, अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, या आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। और इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं, देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर एन लिख देंगे, इसी को अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एन क्या है, ये अपवर्तनांक है, ऐसे लिख देंगे एन इक्वल टू अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है मेरे अकॉर्डिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपका नियम है सेकेंड वाला, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ऐसे लिख दीजिए इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो यही आपका था अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन का नियम। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, देखिए प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया आपको, मैंने विथ फिगर आपको समझाया, अपवर्तन के नियम भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं दो तीन डेरिवेशंस हैं जो मैंने इसमें नहीं कराया, ठीक है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका पार्टिकुलर वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत जल्दी, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं बहुत जल्दी उसका एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ब्रूस्टर का नियम है। मतलब सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस को बताऊंगा, जो कुछ छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे, व्यतिकरण विवर्तन अध्यारोपण का सिद्धांत, दोनों में व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ब्रूस्टर का नियम, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है हमारे फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी में। देखिए क्या है ब्रूस्टर का नियम, इसमें कुछ है नहीं, मतलब है तो बहुत सिंपल सा नियम, ठीक है, मतलब ब्रूस्टर का नियम जो है वो काफी ज्यादा सिंपल सा एक नियम है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रूस्टर का नियम होता क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण ip में संबंध n इक्वल टू tan ip होता है, इस संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यानी कि n इक्वल टू tan ip होता है, इसी नियम को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बहुत ही इजी ये नियम है,
मतलब आपको इतना ही लिखना होता है कि जो n होता है किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक n होता है वो tan ip के बराबर होता है। ip जो आपका है ये ध्रुवण कोण है, ip ठीक है, ये इसी के बराबर होता है। इसी नियम को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बस इतना सा लिखना है, कुछ इसमें नहीं है ब्रूस्टर के नियम में, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पर एन है अपवर्तनांक, ऐसे लिख देता हूं मैं, एन है अपवर्तनांक और आई पी क्या है ये भी मैं लिख देता हूं थोड़ा कंफर्म करने के लिए। एन है आपका अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, और जो आईपी है ये ध्रुवण कोण है। क्या है? ध्रुवण कोण। तो देखिए जो ब्रूस्टर का नियम है वो हमारे अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण के बीच रिलेशन को दर्शाता है कि आखिर इसमें संबंध क्या होता है। तो किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण ip में जो संबंध होता है n इक्वल टू tan ip, इस संबंध को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यही आपको लिखना है। 2014-16-17-19 में ये पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ip की जो वैल्यू होती है, देखिए वायु कांच के लिए, देखिए वायु कांच के लिए, कांच के लिए जो ध्रुवण कोण की वैल्यू होती है यानी कि आईपी का मान जो होता है, आईपी का मान 57 डिग्री होता है। जो ध्रुवण कोण का मान होता है वो 57 डिग्री होता है, यानी कि वायु और कांच के लिए जो ध्रुवण कोण आईपी है इसका मान 57 डिग्री होता है। बस इतना सा आपको लिखना है। यही रिलेशन होता है अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में। बस हो गया, इतना सा आपको लिखना था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सारे टॉपिक है जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे जो इस चैप्टर का, तरंग प्रकाश की चैप्टर का अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे आता है क्वेश्चन, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका कैसे आता है वो भी मैं दिखा देता हूं, जानना जरूरी है। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। कोई भी माध्यम है उसमें जो तरंगे हैं वो एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती है। ऐसे तरंग है, ठीक है, ये दूसरी तरंग है, थोड़ा अच्छे से मैंने नहीं बना पाया। तो तरंगे, तरंग क्या होती है, जो कंपन होता है आप लोग देखते होंगे उसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम के, जो आपका माध्यम है उसके प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि दो तरंगे जो है एक साथ एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित के तो चल सकती हैं, लेकिन ये किसी माध्यम में चलेंगी क्योंकि तरंग के संचरण के लिए, तरंग के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। और माध्यम में बहुत सारे कण होंगे, जैसे हमारे आसमान में बहुत सारे छोटे-छोटे कण होते हैं, ठीक है, धूल के, लेकिन वो आपको नहीं दिखते, ठीक है। तो अतः माध्यम में प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, जो माध्यम में कण है उनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों द्वारा, ये जो दोनों तरंगे हैं इनके द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो माध्यम में जो कण है उसका किसी क्षण परिणामी विस्थापन जो है वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, और टॉपिक का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे तरंग प्रकाश की का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछे जाते हैं और काफी बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो 2014, 15, 16, 19, 22, ठीक है, सब में ये
क्वेश्चन आ चुका है। तो इस ये होता क्या है, सबसे पहले इसको हम डीपली समझेंगे। देखो आपको बताया कि प्रकाश जो है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो देखो समान आवृत की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, अभी मैं आपको बताऊंगा आयाम क्या होता है, तरंग क्या है, ठीक है, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती है, यानी कि दो ऐसे प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब वो किसी ऐसे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। यानी कि प्रकाश जो माध्यम, जिस माध्यम में तरंग चल रही है, उस माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ शून्य, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी कि लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। मतलब व्यतिकरण को अगर हम लोग समझें तो दो तरंगे जब आपस में चलती हैं और वो किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझें, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, यानी कि जब वो मिलती है तो उनकी तीव्रताएं कहीं कहीं तो न्यूनतम होती है यानी कि शून्य होती है और कहीं कहीं अधिकतम होती है। जैसे देखिए तरंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई तरंग है, ठीक है, ये आपका देखिए तरंग, ये आपका माध्यम है कोई, और इस माध्यम में जो है तरंग चल रही है। देखिए तरंगे ऐसे चलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऐसे, तो ये देखिए ऐसे तरंग जा रही है। अब ये तरंग हो सकती है लॉन्ग हो, थोड़ा सा और बड़ी तरंग हो, ठीक है, तो इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखो समान आवृत्त की दो प्रकाश तरंगे, देखिए समान आवृत्त की जब ये दो प्रकाश तरंगे किसी ऐसे जिनके आयाम समान हो, आयाम क्या होता है, देखिए तरंग में जो ये ऊपर का सिरा होता है इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, और जो ये नीचे होता है, जो ये होता है पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग गर्त बोलते हैं। क्या, जो ये सिरा आपका है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को आयाम कहते हैं, ठीक है। तो जब समान आवृत्त की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ जब ये दोनों चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, देखिए व्यतिकरण क्या है उसको समझ लीजिए, ये दो प्रकाश तरंगे जब समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे चलेंगी तो वो किसी ना किसी बिंदु पर देखिए मिल रही हैं, ठीक है, तो इसी को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जब ये आपस में मिलेंगी तो कहीं पर तो इनकी तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होगी, अभी व्यतिकरण के प्रकार में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो कहीं पर अधिकतम होगी कहीं पर न्यूनतम होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनके प्रकार को समझेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जिनकी आवृत्त समान हो, वो जब किसी माध्यम में चलती हैं और किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी भाषा में समान आवृत्त की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, जब ये किसी माध्यम में एक साथ चलेंगी तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रकार में समझिए, प्रकार में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। देखिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, सबसे पहला विनाशी व्यतिकरण और दूसरा संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि व्यतिकरण जो है ये दो प्रकार का होता है, व्यतिकरण के प्रकार भी पूछे जाते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, देखिए कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है कहीं पर न्यूनतम होती है तो वो व्यतिकरण होता, लेकिन विनाशी व्यतिकरण क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। अब विनाशी नाम से स्पष्ट है, विनाश, ठीक है, मतलब वृद्धि में कमी, न्यूनतम, ठीक है, विनाश होगा भाई तो न्यूनतम होंगे, कमी आएगी, ठीक है। तो जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, और संपोषी व्यतिकरण क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अब देखिए प्रकाश तरंगों का मिलना ही व्यतिकरण कहलाता है, तो वो कई प्रकार से मिल सकती है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे एक तरंग, देखिए तरंगे दो प्रकार से मिल सकती हैं, एक तो आपका जैसे ये एक तरंग जा रही है, देखो ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपकी तरंग आई, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरी तरंग देखिए ये, ठीक है, ये दूसरी तरंग आ गई, ठीक है। तो देखिए यहां पे भी दोनों तरंगे आपस में मिली, देखिए यहां पे और यहां पे दोनों तरंगे मिली,
ठीक है, यहां भी व्यतिकरण होगा, लेकिन ये कौन सा व्यतिकरण होगा, ये समपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि अगर इसका श्रृंग और श्रृंग देखिए दोनों एक ही कला में है, दोनों समान कला में है, तो इनकी तीव्रता जो यहां पर होगी, प्रकाश तरंग की जो तीव्रता आई होगी वो अधिकतम होगी, और जहां अधिकतम होगी वो समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। मतलब देखिए यहां पे जो व्यतिकरण हो रहा है, दोनों तरंगे जो है समान कला में है, ठीक है, और दोनों मिल भी रही है, देखिए यहां पे एक बिंदु पर मिली और दोनों तरंगे समान कला में है, तो जब दोनों तरंगे समान कला में होंगी तो इनकी जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, ये होगा समपोषी व्यतिकरण का उदाहरण। किसका? समपोषी व्यतिकरण का उदाहरण। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होता है वो भी यहीं पे हम लोग समझेंगे। देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे जो तरंगे होंगी, देखिए एक तरंग ये आई, देखिए ये, ठीक है, और दूसरी तरंग ये गई, ठीक है, यहां पे देखिए दोनों तरंगे समान कला में नहीं है, इसका ये श्रृंग है ये गर्त है, ठीक है, इसका श्रृंग ये गर्त, इसका देखिए दोनों तरंग का श्रृंग ऊपर था गर्त अलग था, दोनों समान कला में थे, लेकिन यहां पे ये समान कला में नहीं है, यहां जिस बिंदु पर ये मिल रही है तो इनकी तीव्रता यहां पर न्यूनतम होगी या फिर शून्य होगी। तो ये होगा एग्जाम्पल विनाशी व्यतिकरण का, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में बताया गया है कि जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है समान कला में होंगे और किसी बिंदु पर मिलेंगे तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, तो वो समपोषी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है वो समान कला में नहीं होते हैं, जिनसे इनकी तीव्रता जो है क्या होता है, दोनों समान कला में रहेंगे नहीं रहेंगे तो इन एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देती हैं, ठीक है, तो यहां पे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। तो यही होता है व्यतिकरण और व्यतिकरण के प्रकार, ठीक है, एक प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके प्रतिबंध है, कुछ शर्त है व्यतिकरण के, देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, देखो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अथवा दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, ठीक है, ये है। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य दोनों बराबर होना चाहिए तभी व्यतिकरण होगा, ठीक है। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम भी बराबर होने चाहिए, आवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए आयाम भी, क्योंकि मैंने बताया था समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, तो आवृत्ति और आयाम दोनों समान होने चाहिए। चौथा देखिए क्या है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजे अधिक चौड़ी बने। और पांचवा है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये कुछ शर्त हैं, जब ये शर्त पूरा होगा तभी प्रकाश का व्यतिकरण संभव हो सकेगा, ठीक है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो मैंने आपको व्यतिकरण बताया है तो इसमें जो प्रकाश की तीव्रता आई होती है वो तरंगों का जो आयाम होता है ए उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश तरंग की तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो आपका हो गया व्यतिकरण, व्यतिकरण के लिए शर्त। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कला संबद्ध स्रोत। ये क्या होते हैं कला संबद्ध स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आपके कई बार आ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, यानी कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है क्योंकि दो नंबर वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं। देखिए ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर जो है वो हमेशा नियत रहे ऐसे स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मतलब टू लाइनर इसका डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा, कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है वो कला संबद्ध स्रोत कहते हैं उनको। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे स्रोत किसी युक्त द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो कला संबद्ध स्रोत है ये किसी भी डिवाइस या युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका हो जाएगा कला संबद्ध स्रोत, ये क्वेश्चन आता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का विवर्तन। ऐसे क्वेश्चन आता है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार लिखिए। मैं आपको प्रकार भी बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है। जैसे व्यतिकरण है, ये भी एक प्रकाश की ही घटना है, ठीक है, तरंग की। ऐसे ही प्रकाश का विवर्तन भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, वहां पे दो तरंगे आपस में मिलती थी, अध्यारोपित होती थी, तो उसको हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते थे। विवर्तन में देखिए, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाएगा तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। जैसे एक पर्दा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे हमने एक पर्दा ले लिया, ठीक। अब इसमें एक अवरोध है छोटा सा, या छिद्र भी बोल सकते हैं, छिद्र से आकर, ठीक है, अवरोध है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्रोत है, जैसे हमारा सूर्य ही हो गया, यहां पर एक स्रोत है, ठीक है, ऐसा। अब यहां से एक प्रकाश जाती है, देखिए ऐसे प्रकाश गई यहां पर। अब ये जो अवरोध है या द्वारक है, ठीक है, इससे होकर ये जा रही है, तो इसको सीधे जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, ये जो प्रकाश आई ये सीधे ना जाकर ऐसे ऐसे मुड़ गई, ठीक है, किनारों से ऐसे मुड़ गई, तो इसी घटना को ही हम बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये आपका स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये आपकी प्रकाश जा रही है, देखिए प्रकाश कहां जा रही है, देखिए ये आपकी प्रकाश जा रही है, ठीक है, और ये एक पर्दा है, और पर्दे में ये एक छोटा सा छिद्र या द्वारक जिसको बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से देखिए मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जिस प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था वो इस द्वारक से टकराकर मुड़ गया, ठीक है, किनारों से मुड़ गया, तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखिए कितने प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विवर्तन के प्रकार, देखिए विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनल विवर्तन और एक फ्रानहोफर विवर्तन, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। मतलब प्रकाश आया किसी अवरोध या द्वारक, इसको लिख देता हूं मैं अवरोध या द्वारक, आप छिद्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, अवरोध या द्वारक, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है, द्वारक लिख दीजिएगा इसको, द्वारक, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश का विवर्तन है। विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन और फ्रानहोफर विवर्तन, ठीक है। अब फ्रेनल विवर्तन क्या है, सबसे पहले जब पर्दा एवं प्रकाश स्रोत, देखिए जो ये पर्दा आपका है और ये जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर हो, यानी कि ये पर्दा और प्रकाश स्रोत जो विवर्तक वस्तु है इससे निश्चित दूरी पर होगी तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इस नोट पॉइंट देखिए, इस विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि फ्रेनल विवर्तन जो होता है इसका यूज गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में हम लोग करते हैं। मतलब अगर आपका पर्दा एवं प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होगा, यानी कि एक निश्चित दूरी पर, लिमिटेड दूरी पर, तो पर्दे पर प्राप्त जो विवर्तन होगा वो फ्रेनल विवर्तन होगा, और ये जो विवर्तन है इसका उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि ये जो प्रकाश स्रोत है और जो पर्दा है इसकी जो है विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर ये होंगे तब जो है इस पर्दे पर जो विवर्तन होगा इसको फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। अब दूसरा फ्रानहोफर विवर्तन क्या है, देखो जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से आभासी या असीमित दूरी पर हो, यानी कि काफी ज्यादा दूरी पर हो जिसकी लिमिट ही ना हो, असीमित का मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन फ्रानहोफर विवर्तन कहलाएगा। यानी कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से, ठीक है, आभासी या असीमित दूरी पर होगा तब पर्दे पर प्राप्त जो विवर्तन होगा वो फ्रानहोफर विवर्तन कहलाएगा, और इस फ्रानहोफर विवर्तन का उपयोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका विवर्तन होगा और विवर्तन के प्रकार होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे, प्रकाश
का व्यतिकरण और विवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, देखिए हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ है व्यतिकरण और दूसरी तरफ है विवर्तन। ठीक है, व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस, और विवर्तन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्यतिकरण क्या होता है? ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यानी कि जो व्यतिकरण है, ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिमाण है। ठीक है, और ये विवर्तन क्या है? ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिमाण है। ये लाइनें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सुबह उठकर इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स होते हैं, उसी में से इकलौता ये भी टॉपिक है। ठीक है, इसको भी पढ़ के आप लोगों को जाना है। दूसरा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होती है। मतलब जो व्यतिकरण है, इसमें जितनी भी दीप्त फ्रिंजे होंगी वो एक समान तीव्रता की होंगी, और विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। यानी कि विवर्तन में जितने भी दीप्त फ्रिंजे होंगी वो अलग अलग तीव्रताओं की होंगी और तीव्रता के घटते क्रम में होंगी। ठीक है, तो ये आपका विवर्तन। तीसरा, इसमें सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण में जितनी फ्रिंजे होंगी सब समान चौड़ाई में होंगी, और विवर्तन में इसमें सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की नहीं होती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में, इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। यानी कि व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ होंगे वो प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता। चार डिफरेंस मैंने आपको बताया। ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई तीन अंतर लिखिए, कोई चार अंतर लिखिए, तो वो आप तीन चार जो भी है चारों याद रखिएगा, जो जितना आता है आप लिख सकते हैं। अगर गिनती नहीं दी जाती कि इतना अंतर लिखो, तो आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये चार अंतर आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। इतने टॉपिक जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति चैप्टर है, इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 11 का, क्योंकि चैप्टर 10, 9 ये सब मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे ये 2016, 18, 20, 22 सब में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी आएगा। देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो देखो, इसका पहले डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। ऐसे ऐसे मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, टेंशन मत लेना। देखो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए कि कोई धातु है, ये देखो, मान लीजिए ये आपका धातु है। ठीक है, धातु में मेटल आपका हो गया। ठीक, तो इसमें धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया, धातु है, इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका जो है ये एक धातु है। ठीक है, अब क्या कहा गया है ऊपर ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, अब मान लीजिए उचित आवृत का प्रकाश इस धातु की सतह पर आकर पड़ा। देखो, ये आवृत है, मतलब ये प्रकाश है, कोई प्रकाश इस धातु की सतह पर आकर पड़ा। ठीक है, डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जो धातु का पृष्ठ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा ऐसे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन।
और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? कुछ है नहीं, एक धातु की सतह है, उस पर हमने एक प्रकाश डाला उचित आवृत्ति का, ठीक है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न उत्सर्जित हुए, इसी को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। पढ़ के मैं सुना देता हूं, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। दोनों सेम है। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा जाता है तब भी यही लिखना है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पूछा जाता है तब भी यही लिखना है, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहां पर समझा दूं, देखो अभी आपसे पूछा जाए दहली आवृत क्या है, तो आप लोग एक परिभाषा लिखेंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत, यानी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके वो दहली आवृत होगा। मतलब ये जो प्रकाश आई है ये क्या है, ये प्रकाश है, ठीक है। तो इस प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके वो दहली आवृत होगी। अब दहली तरंग दैर्ध्य अगर पूछा जाए तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ये जो प्रकाश आई है इसकी वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके वो दहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, ठीक है। ये सब डेफिनेशन अभी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने चित्र समझाया है तो मैं सोच रहा हूं कि आपको यही पर डेफिनेशन समझा दिया जाए। अगर आपसे प्रकाश विद्युत कार्य फलन पूछा जाए तो कह दीजिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो हो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाएगा। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ में आ गया कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्त का कोई प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन और इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है, ध्यान से देखना, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है, तो देखो वही चीज जो मैंने बताया था आपको कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। यानी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है वो उस धातु का, उस प्रकाश का कार्य फलन कहलाएगा, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाएगा। सामान्यता इसको W से व्यक्त करते हैं, मतलब कार्य फलन को W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू क्या होगा, वैसे वर्क, W का मतलब क्या होता है, वर्क, ठीक है। तो W इक्वल टू होगा H म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होगा, W इक्वल टू होगा H म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होगा। तब आप लोग कहेंगे सर जी W तो कार्य फलन है बट यहां पे H क्या है और म्यू नॉट क्या है। देखो भैया H जो आपका है ये प्लांक नियतांक है, क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। और जो म्यू नॉट है ये दहली आवृत्ति है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, दहली आवृत्ति। एक ही चित्र से आपको सारी चीजें समझ लेनी है, तो ये दहली आवृत्ति है। अब यहां पे एक कंडीशन और है, चूंकि देखो जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट वो सी अपान लैम्डा नॉट के बराबर होता है, मतलब सी अपान लैम्डा नॉट के बराबर होता है। म्यू नॉट इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा नॉट, तो यहां पे अगर म्यू नॉट के जगह पर हम सी अपान लैम्डा नॉट लिख दें तो यही वाला जो फॉर्मूला, इसलिए ये फॉर्मूला W इक्वल टू क्या आएगा, देखो एच आपका एच ही रहेगा और म्यू नॉट की जगह पर सी अपान लैम्डा नॉट कर देना तो सी अपान लैम्डा नॉट। अब ये फॉर्मूला कार्यफलन का कुछ इस प्रकार से आया, W इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा नॉट, जहां पर H आपको पता है, C क्या है C भी जान लीजिए और लैम्डा नॉट क्या है ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो C आपका है प्रकाश की चाल, सबको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो प्रकाश की चाल है। लैम्डा नॉट क्या है, जैसे म्यू नॉट आपका देहली आवृत्ति था वैसे लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य, इसको देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आज इस चैप्टर का हम सफाया करके रहेंगे, ठीक है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैध प्रकृति, तो ये देहली तरंग दैर्ध्य है।
तो ये फॉर्मूला होता है कार्यफलन का। कार्यफलन क्या होता है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं, W इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, जहां पर एच है प्लैंक नियतांक, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। अब म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है, तो हमारा W इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होगा, क्योंकि म्यू नॉट की जगह पर हमने सी अपान लैम्डा नॉट लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जहां सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भैया देहली आवृत्त क्या होता है। इस चैप्टर में देहली आवृत्त जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वही चीज जो मैंने आपको बताया था, और इसका देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली आवृत्ति। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि देहली आवृत्त क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके देहली आवृत्त कहलाता है। यानी कि जब हमने यह समझाया था तो इसमें एक प्रकाश आया था, इस धातु की सतह पर पड़ा था, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। तो वही सेम चित्र, मतलब जो आपतित प्रकाश थी उसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने बताया था, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी महत्व है। यानी कि अगर जो ये प्रकाश आपका इस धातु की सतह पर पड़ा था, अगर इस प्रकाश का जो मान है वो देहली आवृत्त से कम है, तब इस धातु की सतह से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और जब देहली आवृत्त के बराबर होगा तभी यहां धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही इसकी महत्व है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी म्यू नॉट देहली आवृत्ति इक्वल टू होगा क्या, तो वही फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट इक्वल टू मैंने बताया था सी अपान लैम्डा नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट आपका है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये हो गया। एक टॉपिक और है इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग, वो है देहली तरंग दैर्ध्य। तो वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था, आपतित किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। यानी कि आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आपको समझना है, समझने की आपको फेर है। ठीक है, इसे इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, मतलब किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान, सिंपल सा मैं बताऊं तो आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है वो हो उस धातु का देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है, इसको लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह फॉर्मूला रहेगा जैसे म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट होता था, वैसे लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट को इधर लाएंगे तो लैम्डा नॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा देहली तरंग दैर्ध्य का। अब यहां पे सी क्या है, प्रकाश की चाल है, सबको पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, और म्यू नॉट क्या है, ये देहली आवृत्ति है, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब हम ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं भैया जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन तीन नंबर वाले प्रश्नों में क्वेश्चन आता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना ये क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये तो हो गया आपका। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, दोनों एक ही है, मैंने आपको बताया, मतलब आपने ये तो पढ़ लिया कि जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, लेकिन कब उत्सर्जित होंगे इसके कुछ नियम है, कुछ नियम कानून है, वो अगर अप्लाई होगा तभी, जब ये आप प्रकाश इस पर पड़ेगा धातु पर तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो वो नियम क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, देखो ध्यान से समझना, नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए जाने वाले प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए,
जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। मतलब वैज्ञानिक लेनार्ड और मिलिकन ने यह नियम दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्न है, इसके नियम क्या क्या है उसको समझिए, कुछ नियम कानून है। देखो, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो प्रकाश है इसकी तीव्रता जितना ज्यादा होगी इस धातु की सतह से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वही कहा जा रहा है कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने का जो दर होता है, जो समय सीमा होता है, वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, जितना ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से गिरेगा, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि ये जो प्रकाश है ये जितनी तेजी से धातु की सतह पर पड़ेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, ठीक है। तो ये जो धातु इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है ये प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा देखिए क्या है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये जो आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो हमारे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। प्रकाश की तीव्रता कितनी है ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा से इसका कोई मतलब या लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि ये जो प्रकाश है इसकी आवृत्ति जितना ज्यादा बढ़ेगी प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जितने ज्यादा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी और नियम है, दो और नियम है। देखो चौथा नियम, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, यानी कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो ये प्रकाश भैया इस धातु की सतह पर पड़ा है, इस प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यूनतम मान से कम है, या फिर कहा जाए अगर देहली आवृत्ति से कम है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी कि देहली आवृत्ति जो है वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। और अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ये अपने दिमाग में नोट कर लेना। पांचवा नियम क्या है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी कि जैसे ही यह प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरता है तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, टाइम नहीं लगता। वही कहा गया है कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे प्रकाश धातु की सतह पर गिरेंगे तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, प्रकाश की तीव्रता पर ये डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। मैंने आपको पांच पांच नियम बताए, अब इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है भैया, तीन नंबर में। देखो, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। मतलब द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम इज मनी। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो देखो, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे, द्रव्य तरंगों को ही हम डी ब्रोगली तरंगे बोलते हैं, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी आपको लिखना है जो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी उस फॉर्मूले से रिलेटेड आता है, तो इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। देखो, सन 1922 में डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप से ना मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए।
उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। जब कोई द्रव्य कण किसी माध्यम में चलता है तो वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। मतलब इस सिद्धांत का कि कोई द्रव्य जब चलता है तो वो भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, इसका जो सत्यापन है, प्रूफ जो है, वो डेविसन और जर्मर जी ने किया था अपने प्रयोग से। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है, जो एक तरंग का गुण है। अतः दैवी प्रकृति ना केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है। यानी कि जो द्वैती प्रकृति होती है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये सिर्फ प्रकाश में ही नहीं होती, ये द्रव्य में भी होती है। इसीलिए चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, मतलब द्रव्य में भी द्वैत प्रकृति पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इतना तो हमने आपको बता दिया थोड़ी जानकारी किसने क्या किया, लेकिन द्रव्य तरंगे वास्तव में होती क्या है पहले उसको समझिए। गतिमान कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि से तरंग संबद्ध होती है। मतलब जो गतिमान कण होते हैं उसमें तरंग संबद्ध होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। मतलब गतिमान कण जो होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इससे हमेशा एक तरंग संबद्ध होती है। इन्हीं तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मतलब जो गतिमान कण है उससे कोई ना कोई तरंग संबंध होती है, उसी तरंग को ही हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, और द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। बस हो गया, ठीक है। अब एक प्यारा सा हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्योंकि हमें लिखना है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया, नीचे अंडरलाइन कर देंगे, भाई हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है, ठंडी है, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, एच अपान एम वी। ये होता है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला, या इसी को ही हम बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब चूंकि पी इक्वल टू एम बी होता है, संवेग जो पी होता है इक्वल टू आपका होता है एम बी। क्या होता है भैया? एम वी, आपको पता होगा पी इक्वल टू एम बी, ठीक है, संवेग। अब देखिए तो हम एम बी के जगह पर पी भी लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू, चूंकि इसलिए ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी भी हम लिख सकते हैं। तो यही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी या लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। अब यहां पर आप कहेंगे सर जी लैम्डा तो पता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, एच क्या है, पी क्या है, एम क्या है और वी क्या है, भाई ये भी जानना जरूरी है, सब पढ़ रहे हैं तो इनको कैसे हम मिस आउट कर सकते हैं। देखो लैम्डा आपका यच है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। यहां पे पी आपका है संवेग, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और एम क्या है? कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान, ठीक है। और v क्या है? ये कण का वेग है, कण का वेग, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, यही होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। अगर आपको h दिया गया है, m दिया गया है, v दिया गया है, तो आप जो है लैम्डा को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कण का संवेग, ये आपका पी जो है कण का संवेग। तो ये आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने आज के इस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो आपके चैप्टर 9 से चैप्टर 11 तक के थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं, तो इनको बिल्कुल से तैयार करके जाइएगा, बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना। और आप कहेंगे सर इतना पढ़ने से हो जाएगा, अभी आगे आगे मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।